नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज लेकर आया हूँ, जिसका नेम है रुगुंटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, इसके बारे में काफ़ी डिटेल आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूँ। वैसे ये NAAC एंड NBA अप्रूव्ड है। उसी के बाद में ये 1999 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसी के बाद में काफी ओल्ड कॉलेज है। इसी के साथ में इसमें जो हाईएस्ट प्लेसमेंट रहेगा वो कितना रहता है, क्योंकि देखिए कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद में अपनी जो मास्टरी है वो करता है, जैसे कि कोर्सेज हो गया, जैसे एमटेक हो गया या एमसी हो गया, आगे जाकर करता है, तो हमेशा वो अच्छा प्लेसमेंट देखेगा। किसी भी कॉलेज में जाता है तो वो अच्छा प्लेसमेंट देखेगा। उसी के साथ में इस कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज है वो करवाए जाते हैं, साथ ही में जो यूजी के कोर्सेज रहते हैं वो क्या क्या रहेंगे, इसी के साथ में जो जो कंपनी जो आपको हायर करेगी वो कौन कौन सी कंपनीज है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि जो मुझे कंपनी हायर करे वो एक तरीके से बेस्ट कंपनी रहे। और उसी के साथ में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कोर्स क्या रहेंगे, उन कोर्सेज की जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी, कैंपस लाइफ यहाँ का क्या रहेगा, साथ में हॉस्टल लाइफ कैसा रहने वाला है। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाने वाला हूँ। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज का यह वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो आप सभी छात्रों को एक बात क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, जो यहाँ पर जो कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, ये बिलाई में स्थित है। इसका नेम जैसे रुगंटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसको बोल सकते हो। वैसे इसका फाउंडेशन भी है। काफ़ी चीज़ें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे मैं आप सभी को बता देता हूँ, जैसे कि ये इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो आपको 48 लाख देखने को मिलेगा। हाईएस्ट जो प्लेसमेंट है वो 48 लाख आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में बहुत ही कम बजट में एडमिशन आप इसमें ले सकते हो। और उसी के साथ में जो इसमें कोर्सेज रहेंगे वो कोर्सेज आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप बीटेक वगैरह बीटेक कर सकते हो, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से कर सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से कर सकते हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आप कर सकते हो। इसी के साथ में आप बीटेक के बाद में और भी काफ़ी कोर्सेज यहाँ से कर सकते हो, जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी पीसीएम मैथ से आप कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो इसी कॉलेज से, एम फार्मा एमसीए के साथ में कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज है वो भी आप इस कॉलेज से कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या रहती है, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट एक तरीके से एग्री करते हैं किसी भी कॉलेज में जाकर, वो करते हैं प्लेसमेंट को लेकर। ठीक है, प्लेसमेंट इसकी अच्छी है, देखा जाए तो वैसे अच्छी है। और उसी के साथ में जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट भी आपको यहाँ पर मैं आप सभी को स्क्रीन पर एक बार मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कोर्स है, ड्यूरेशन है, अप्रूवल है। वैसे जैसे इसका जो 4 साल का एक तरीके से जो फीस रहेगी वो इसकी 5.92 के अप्रोक्स आपकी रहने वाली है। ठीक है, और उसी के साथ में यहाँ पर जो कोर्सेज रहेंगे, उसी के बाद में जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है वो भी यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ आप सभी छात्रों को। और देखो, अगर आप इस कॉलेज से लेते हो, क्योंकि इसमें जो एग्जाम फॉरम फीस है, एक तरीके से जो एडमिशन फॉरम की जो फीस है वो बिल्कुल जीरो है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मैं आपको आगे जाकर लिंक भी बताने वाला हूँ, उससे पहले आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ठीक है, अब देखो ये कोर्सेज है, कुछ कोर्सेज यहाँ पर 4 साल के हैं, कुछ कोर्सेज आपके यहां पर 2 साल के, जो कि यहां पर आप स्क्रीन पर भलीभांति से देख रहे हो। ठीक है, अब इसी के साथ में यहां पर जो एक कोर्सेज आप देख रहे हो, इनकी जो फीस रहेगी वो फीस क्या रहेगी, अब जैसे कि फीस यहां पर देख सकते हो, क्योंकि फीस इतनी ज्यादा इसमें नहीं है, फीस इतनी ज्यादा नहीं है। अब फीस की बात करें तो फीस आप देख सकते हो, जैसे कि ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट चार्जेस, जैसे कि अभी यहां पर पूरी दी गई है RCET रायपुर के द्वारा। ठीक है, इसी के बाद में काफ़ी फीसेज वगैरह आप देख सकते हो, क्योंकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का। यहाँ पर जैसे BCA की देख सकते हो, सेमेस्टर फीस 13,000 रुपये है, सेमेस्टर फीस यहाँ पर 10,000 रुपये है। और इसी के साथ में सभी कोर्सेज की यहाँ पर फीस वगैरह दी गई है। उसी के बाद में और भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ से मैं एक बार आप सभी छात्रों को दिखा देता हूँ, जैसे कि इसका प्लेसमेंट देख सकते हैं।
प्लेसमेंट को लेकर जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 48 LPA के अप्रोक्स इसका प्लेसमेंट रहता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 48 लाख, और उसी के साथ में यहाँ पर 2500 प्लस ऑफर्स लेटर्स भी है, जैसे कि करंट सेशन थ्रू कैंपस ड्राइव प्लेसमेंट माँ। इसी के साथ में 300 प्लस कंपनीज यहाँ पर स्टूडेंट्स को हायर भी करती है, उसी के साथ में 359 यहाँ पर सिलेक्शन भी हो चुके हैं, हाईएस्ट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, 515 मिलियन टोटल पैकेज ऑफर्ड दिस ईयर। ठीक है, और 100% प्लेसमेंट की यहाँ पर गारंटी ले रहे हैं। उसी के साथ में और भी चीजें यहाँ पर आप सभी छात्रों को मैं क्लियर कर रहा हूँ, और जो मेजर रिक्वायर्टर्स है मतलब कि इन कंपनीज के द्वारा आपको एक तरीके से हायर किया जाएगा, जैसे DBS हो गया, गोल्डमैन सैच्स हो गया, अमेजोन हो गया, इसी के बाद में और भी जैसे एसेंचर हो गया, काफ़ी कंपनीज है जैसे टाटा की कंपनी हो गई, जियो हो गया, बोस्त हो गया, महिंद्रा हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गई, काफ़ी कंपनीज है जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहे। साथ में जो एक तरीके से सभी लोग देखते हैं, जो कैंपस लाइफ हो गई या आप मतलब कि जो हॉस्टल रहता है, हॉस्टल एक तरीके से आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। कुछ आपको यहाँ पर फोटोज भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे काफ़ी छात्रों को पता नहीं है तो मैं आपको जैसे हॉस्टल की फोटोज भी दिखा देता हूँ, जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये आपकी हॉस्टल की फोटोज रहेगी, जैसे कि आपको इस प्रकार के यहाँ पर रूम वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, आपको लास्ट में अप्लाई किस प्रकार से करना है, आपको जो लिंक है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है, आप एक बार उस लिंक से जाकर देख लेना। साथ ही में जो सी एस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, जो कि सारा कुछ इंक्लूडेड है। और उसी के साथ में जैसे इंक्लूडेड में जैसे रहना हो गया, खाना हो गया और पीना हो गया साथ में, और इस कॉलेज की जो एडमिशन फीस है वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है, जीरो है। और रुगंटा कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम, जैसे काफ़ी बार क्या होता है, जैसे आप अपनी ग्रेजुएशन करते हो, आगे जाकर कोई भी जैसे कोर्सेज करते हो, जैसे BCA के बाद आप MCA कर रहे हो तो उसका पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा इसमें, और शायद परसेंटेज बेस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने क्लियर भी कर दी है, कुछ चीज़ें आपकी बचती है वो भी मैं क्लियर करूँगा, और आप एडमिशन के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो वो भी यहाँ पर मैं लास्ट में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, इस कॉलेज का एप्लीकेशन ये मैंने आपको बता दिया। और अगर आप देखो, आपके लिए एक और बड़ी खबर है कि अगर आप बिहार स्टेट से हो तो आपके पास में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होना चाहिए,